हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इन ए वे ऑफ लर्निंग। देखिए, करंट इवेंट या करंट अफेयर्स 2022 की सीरीज के अंतर्गत आज हमने स्टेटमेंट टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, जिसमें कि यहाँ पे आपके दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें कि आपको बताना है कि ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट सही है, जो कि आपका विजिलेंस अवेयरनेस वीक पे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन हमने डिजाइन किया है। देखिए, विजिलेंस अवेयरनेस वीक की हम बात करें तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक यहाँ पे आपके दो ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन दिया है, देखिए, विजिलेंस अवेयरनेस वीक की हम पहले बात कर लेते हैं कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो आपका अवेयरनेस वीक जो आयोजित किया गया था, ये आपका 31 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर 2022 को जो है इसको आयोजित किया गया था। कहाँ पे इसको आयोजित किया गया था? तो विजिलेंस सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के विजिलेंस अवेयरनेस वीक को जो आयोजित किया गया था, वो आपके विज्ञान भवन नेशनल कैपिटल दिल्ली में जो है इसको आयोजित किया गया था। तो ये हमको याद रखना है, ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा न्यू राजभवन विजय विज्ञान भवन में नेशनल कैपिटल में इसको आयोजित किया गया था। इसके अलावा कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के पोर्टल भी जो जो कि आपके सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल है, उसको भी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है इस इवेंट में। इसके इस जो आपका कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है, इसका क्या मोटिव रहेगा? द पोर्टल इज इनविजन टू प्रोवाइड इनटू इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन थ्रू द रेगुलर अपडेट ऑन द स्टेटस ऑफ दियर कंप्लेंट। तो आप जो भी यहाँ पे करप्शन से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे आप यदि कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं, तो उसका आप यहाँ पे ऑनलाइन स्टेटस देख सकते हैं इस पोर्टल पर। जो आपका कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, उस पे कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद उसका ऑनलाइन स्टेटस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और इस साल की जो थीम रखी गई थी, वो करप्शन फ्री इंडिया फॉर डेवलप्ड नेशन, करप्शन फ्री इंडिया फॉर डेवलप्ड नेशन जो है यहाँ इस साल की सेंट्रल जो आपका विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2022 आयोजित किया गया था, उसकी यहाँ पे थीम रखी गई थी। तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शन दिए हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू विजिलेंस अवेयरनेस वीक। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया है, विजिलेंस अवेयरनेस वीक ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑर्गेनाइज एट द विज्ञान भवन इन द नेशनल कैपिटल। तो ये सही है, जो आपका विजिलेंस अवेयरनेस वीक आयोजित किया गया था, वो आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा आयोजित किया गया था, और इसको जो आयोजित किया गया था वो आपके विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट दिया है, द थीम वाज द करप्शन फ्री इंडिया फॉर डेवलप्ड नेशन। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, इसकी जो थीम रखी गई थी वो आपकी करप्शन फ्री इंडिया फॉर डेवलप्ड नेशन जो है सेंटर जो आपके सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा आयोजित विजिलेंस अवेयरनेस वीक की थीम रखी गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके अलावा भी आपको याद रखना है, इससे एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि आपका कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो ये आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा जो है कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम सीएमएस को जो है यहाँ पे विजिलेंस अवेयरनेस वीक के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं इस करेंट इवेंट न्यूज से रिलेटेड, जिसमें कि हमने सेंट विजिलेंस अवेयरनेस वीक के बारे में डिस्कस किया। और इसका जो सही आंसर है वो आपका 1 एंड 2 दोनों सही है यहाँ पे। तो ये ऑल अबाउट था इस स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में, जिसमें कि हमने यहाँ पे विजिलेंस अवेयरनेस वीक को भी डिस्कस किया, साथ में उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी नया नया वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।